आपने वीडियो देखी एक नई शादी की, इस शादी को महज शादी के 4-5 दिन भी नहीं हुए और दुल्हन अपने दूल्हे का बड़ी बेरहमी से मर्डर करवा देती है, और वो भी इतनी बेरहमी के साथ में कि आज की रात तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, कल का सूरज तुम नहीं देख पाओगे। दूल्हे ने मजाक समझा और उसको दूसरे दिन का सूरज देखना नसीब नहीं हुआ। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के मऊ की, जहां पर एक लड़का अपनी शादी करने के लिए बारात को लेकर जाता है। सभी न्यू नवेली मैरिज शादी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। लड़के का नाम है लवकुश और लड़की का नाम है पायल। इन दोनों की शादी होती है। शादी होने के बाद में ये अपने नए मकान में जाते हैं और मकान में जाने के बाद में लवकुश को कुछ लोग बुलाने के लिए आते हैं, दूसरे मकान में जो शिफ्ट हो जाते हैं। जो कुछ लोग उसको लवकुश को लेकर चले जाते हैं, तो उसके बाद में वो वापिस नहीं आता। लड़की जिसका नाम पायल है, दुल्हन उसकी नई नवेली, वो उसके माँ बाप को फोन करती है कि लवकुश कहीं चला गया है और अभी तक आया नहीं है। इस बात को सुनकर लड़की के फैमिली वालों ने खोजबीन की, लड़के के फैमिली वालों ने खोजबीन की, पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज कराई, तो पता चला कि वहां पर पास में ही एक पोखर थी। पोखर में उसका एक गमछा लपेटे हुए पोखर किनारे लवकुश का शव मिला, यानी कि गला दबाकर हत्या की गई। जब पुलिस की तफ्तीश में इस मामले को सुलझाया और उन दोनों आरोपियों को जो अरेस्ट किया, तो उसमें खुलासा हुआ कि उसकी नई नवेली का आशिक और उसका आशिक का एक दोस्त और उसकी नई नवेली दुल्हन, इन तीनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया। क्राइम को होने के बाद में जो जो शादी में वहां पर मौजूद थे, जिस जिसने भी खाना खाया, नाश्ता खाया, बाकी हर कोई इस कहानी को देखने के बाद में, इस क्राइम को देखने के बाद में सदमे में आ जाता है और कहता है कि अगर लड़की को शादी नहीं करनी थी, लड़की का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और उसके माँ बापों को भी जाहिर सी बातें पहले से पता हो, तो उन लोगों ने रिश्ता क्यों किया, और एक लड़के के साथ साथ जिसका मर्डर किया, उसके फैमिली वालों की भी जिंदगी उस लड़की ने खराब की, खुद तो अपनी जिंदगी खराब की, वो जेल की सलाखों में जाएगी। उसने इतनी बड़ी गलती की, लड़की के पेरेंट्स ने भी और लड़की ने भी, अगर शादी नहीं करनी थी तो ना करती, मना कर देती या कहीं चली जाती, लेकिन किसी का बच्चा तो बच जाता। आपकी इस बारे में क्या राय है, प्लीज मशवरा जरूर दें नीचे कमेंट्स बॉक्स में।